सिटी के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज ओजस देवतल ने एक बार फिर शहर और देश को गर्व महसूस करने का मौका दिया है। ओजस ने चीन के हांगझोउ शहर में जारी एशियन गेम्स के तहत ज्योति सुरेखा वेन्नम के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिला है। ओजस के पास वैयक्तिक वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीतने का भी मौका है। हालांकि ओजस की इस सफलता ने सिटी में खेल कर्णधारों और ट्विटर पर बधाई संदेश देने वाले नीति निर्धारकों को आईना भी दिखा है। यदि स्वर्ण पदक खुशी की बात है तो यह दुख की बात है कि ओजस नागपुर के बजाय सातारा में प्रैक्टिस करता है, क्योंकि नागपुर समेत पूरे विदर्भ में विश्व स्तरीय तीरंदाजी की कोई सुविधा नहीं है। ज्ञात हो कि ओजस से पहले एथलीट ओलंपियन राजीव बालाकृष्णन वर्ष 1994 में हिरोशिमा में हुए 12वें एशियन गेम्स में नागपुर और देश का नाम रोशन किया था। उन्होंने 4x100 रिले में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 1971 में नागपुर में जन्मे राजीव अपनी शानदार नेशनल रिकॉर्ड के चलते स्वर्ण पदक का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहे थे। राजीव विदर्भ के एकमात्र ओलंपियन धावक है। उन्होंने सिडनी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।